हे गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व हैंगिंग प्रॉब्लम इन वीवो वाई 21T। वीवो वाई 21T में हैंगिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका फ़ोन लैग कर रहा है, हैंग कर रहा है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना स्टोरेज देख लेना है, आपके फ़ोन में कितना स्टोरेज फुल है। तो आपको सबसे पहले अपना स्टोरेज थोड़ा खाली करना होगा। जो आपका इंटरनल स्टोरेज है वो खाली करके अपना दूसरे मेमोरी कार्ड में या फिर अपने SD कार्ड में आप कर सकते हैं, या फिर अपने PC लैपटॉप में कर भी सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना स्टोरेज को आपको खाली करना होगा। तो अभी मेरे फ़ोन में काफ़ी ठीक ठाक खाली है। तो और बाकी अगर आप आपके फ़ोन में जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड होते हैं और आप इन एप्लीकेशन में से यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मैं इस एप्लीकेशन को यूज नहीं करता हूं तो इंस्टॉल कर दूंगा इसे, ओके। और बाकी ये पब्लिक एप्लीकेशन को यूज नहीं करता हूं, तो इस तरीके से आपके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, तो वो सारे एप्लीकेशन को आपको डिलीट कर देना है। और डिलीट करने के बाद आपको जाना है बैक। फिर बैक जाने के बाद आपको, अब ये सारे एप्लीकेशन डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आई मैनेजर। तो आई मैनेजर पर जाएंगे। आई मैनेजर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी स्कैन पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको ये पूरा स्कैन कर लेना है, जिससे कि आपके वायरस वगैरह होते हैं वो सारे डिलीट हो जाते हैं और चीज फाइल भी डिलीट हो जाती हैं। सो गाइस, यहाँ से आपको स्पेस क्लीन पर क्लिक करना है, इससे आपका स्पेस जो होता है वो साफ़ हो जाता है। जो फालतू की फाइल्स वगैरह होती हैं, डिलीट फाइल्स, वो भी आपकी यहाँ से साफ़ हो जाती हैं। तो यहाँ से आपका ये क्लीन हो जाता है, डुप्लीकेट वगैरह। तो इसे भी एक दो मिनट का टाइम लग जाता है इसमें आपका, तो इसे तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। फिर यहाँ से आपको क्लीन अप ऑल कर देना है, तो आपका ये सारा कुछ साफ़ हो जाता है। अब आपको यहाँ से बैक चले जाना है, और बैक जाने के बाद यहाँ से आपको जाना है बैक। फिर आपको सेटिंग पर क्लिक करना है, और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जाना है थोड़ा सा नीचे, और यहाँ से आपको जाना है अपने अबाउट फ़ोन पर। अबाउट फ़ोन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से नीचे जाना है आपको, और यहाँ से आपको मिल जाता है, ये मिल जाता है आपको एंड्रॉयड वर्ज़न। तो एंड्रॉयड वर्ज़न पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एंड्रॉयड वर्ज़न जो आपको दिख जाएगा जितना भी है, ये इतना काम करने के बाद आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन को एक बार रीसेट करना होगा। रीसेट का मतलब आपको पावर बटन को प्रेस करके रखना है, और सॉरी दोबारा से दिखाते हैं, आपको पावर बटन को प्रेस करके रखना है, और यहाँ पर आपका जो होता है रीस्टार्ट, तो आपको रीस्टार्ट कर देना है एक बार अपने फ़ोन को। रीस्टार्ट करने के बाद अगर आपका फ़ोन ठीक हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है तो ठीक है, अगर आपकी स्पीड फिर भी नहीं बढ़ रही तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने फ़ोन को फुल रीसेट करना होगा। अपने मोबाइल नंबर्स वगैरह या फिर अपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ को अपने कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग पे जाना है, और आपको सबसे नीचे जाना है, और यहाँ पर आपको सिस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सिस्टम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे देखना है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है रीसेट ऑप्शन। तो रीसेट ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको इरेज ऑल सेटिंग मिल जाती है, इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको इरेज ऑल डाटा पर क्लिक करना है, और इरेज ऑल डाटा पर क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना पैटर्न या पासवर्ड जो मिलेगा वो आपको यहाँ से डाल लेना है। फिर दोबारा से आपको इरेज ऑल डाटा पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपका जो फ़ोन बंद हो जाएगा, फ़ोन बंद होने के बाद आपका फ़ोन स्टार्ट हो जाएगा, आपका फ़ोन बिल्कुल फुल रीसेट हो जाएगा, फिर आपका फ़ोन काफ़ी फास्ट चलने लगेगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।